ओ गाइस, फाइनली फाइनली गाइस पहुंच गए खातीगांव। आहा, होय होय, मजा आ गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फिर से हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, एक नई सुबह की शुरुआत, बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि कितने मुश्किल तरीके से गाइस हम लोग यहाँ पहुंचे। भाई साहब, मतलब इतना खतरनाक रास्ता, इतना अंधेरा, मतलब एक बार के डर लग गया था। लेकिन जो मेरे साथ के लोग हैं, संजय है, जीतू है, उन्होंने काफी मोटिवेट किया, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस, वो यहाँ ऐसे पहले बहुत बार आ चुके हैं। तो गाइस काफी अच्छा रहा। आज की मॉर्निंग हो गई थी सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसको पांचवा धाम बनाने की जो है बात चल रही है बहुत टाइम से। लोग निकलने वाले हैं अभी, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर एक प्यारे लाल जी जिनके घर में हम जाने वाले हैं, तो वहाँ जाएंगे उनके घर में चाय वाय पियेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे गाइस हम लोग भद्रदुर्गा मंदिर की तरफ। और गाइस वहां से फिर हमको वापस आने के बाद निकलना है ऐसे खातीगांव। और गाइस कर्मा को बता रहा था, आपने कहा शायद इसको देखा भी था, कि हम लोग अभी समुद्र तट से 1565 मीटर की हाइट में गाइस। तो गाइस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब पहली बार मैं इतना ट्रैक करके, इतना ट्रैवल करके, वो भी स्कूटी में यहाँ तक तो पहुँचा हूँ 1565 मीटर की हाइट में। लेकिन गाइस ये ट्रैक अभी छोटा है, इससे अभी हमको और ऊपर जाना है, तो बने रहिए मेरे साथ में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, पिंडारी ग्लेशियर के बारे में पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। सो गाइस हमारे सारे बैकपैक वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से भद्रदुर्गा मंदिर, भद्रदुर्गा मंदिर तलाई सूपी। और ये हैं गाइस दया सिंह जी, जिन्होंने हमारी पूरी केयर टेकर है पूरे इस केआरसी के, और बहुत बढ़िया तरीके से इनकी सर्विस है, बढ़िया। इन्होंने कल हमको दाल चावल खिलाया, रोटी खिलाई, और मॉर्निंग में क्या बढ़िया वाली चाय। तो कभी भी आप आइए तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। निकले फिर हम लोग लोहार खेत, है ना, लोहार खेत जगह का नाम है, और आप आइए, बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी आपको यहाँ पे। तो सामान पैक हो चुका है, तो चलते हैं गाइस फाइनली। अब मैं भी अपना बैग ले लेता हूँ, ठीक है दयाल सिंह जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं। हमारी धन्नो और रैम्बो यहाँ रेडी है। सो गाइस हम थोड़ा नीचे पहुँच गए, और गाइस आप देखिए यहाँ से व्यू देखिए गाइस, आप एक नंबर व्यू आ रहा है, ऊपर बादल देखिए, सामने पहाड़ देखिए गाइस आप। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं प्यारे लाल जी के घर पे। सो गाइस अभी हमारी गर्मा गर्म चाय, और इंजॉय द चाय। स्कूल जा रहो, बाय बाय, ताली मारो। दो प्यारे लाल जी के पेड़ से हमने तोड़ दिया दो माल्टे, और कुछ निबुल भी लेके जा रहे हैं इनके वहाँ से। आपने पहली बार देखा होगा तो अच्छा होगा, हमारे गेट को भूलने की जरूरत नहीं है, हमारी गेट बड़ी लंबी है। चल ठीक है सर। सो गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, अभी हमने स्कूटी और अपनी बाइक यहीं पे खड़ी कर दी है, और सामान सारा जो है ये सामने गोदाम है इसमें डाल दिया है। सो गाइस यहाँ पर हमारे भाई जी हैं, तो उनके घर भी हम जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए, तो उनके घर पे पहले नाश्ता वास्ता करेंगे, देन उसके बाद गाइस जाएंगे आगे मंदिर की तरफ। सो फिर गाइस अभी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ से जो हमारा टॉप है पंखु टॉप, जहाँ पर हमको ट्रैक करना है, वो दिख रहा है, तो गाइस आपको भी दिखा लेता हूँ। देखिए गाइस आप सामने वाला जो पहाड़ दिख रहे हैं गाइस आप, ये जो टॉप दिख रहे हैं आप, ये वाला, हाँ ये वाला, ये है गाइस हमारा पंख टॉप। अभिषेक, सो गाइस ये है हमारे कपिल दा का घर, क्या हाल भाई साहब? ठीक हो? गुड भाई, कैसे हो? मस्त, चलो कैसे हैं आप? ठीक है। और कई दिन से मिलिए, ये है हमारे गोलू, आया है गोलू देवता, कैसो? और वही इनसे मिलिए, ये बड़े स्वीट से, इनोसेंट से, हमारे पप्पी महाराज, कैसे हो चिको? ओ गुलू गुलू,
हाय हाय। सो भी आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, इसमें है रोटियां, सब्जी और दही भी है भाई। चलिए मैं सर्व करता हूँ सबको। सो भाई ब्रेकफास्ट खत्म, क्या ब्रेकफास्ट बनाया था, मज़ा आ गया गाइस। सो गाइस पीछे आप देख रहे हैं दो बच्चे आ रहे हैं, ये बन गए मेरे सब्सक्राइबर। नाम क्या आप दोनों का वैसे? मनीष। इनका नाम मनीष और इनका नाम रोहित। ये है रोहित शर्मा। सो गाइस कार में निकल रहे हम लोग आगे तरफ। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं भद्र तुंगा। ये रास्ता है, यहाँ से निकलना है। सो गाइस फिलहाल इस मंदिर को बनने का भी काम चल रहा है, और गाइस आने वाले कुछ सालों में इस मंदिर को 5वां धाम बनाने की बात चल रही है, और गाइस बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। तो कराते हैं दर्शन आपको भोलेनाथ जी से। जय हो भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो चलिए गाइस भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचा लिए भोलेनाथ जी के साथ में। अब चलते गाइस आगे मंदिर की तरफ, और ये जो कपिल भाई हैं इनको पूरी जानकारी है इस जगह के बारे में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस ये है मेन वो शिवलिंग। जय माता दी, जय हनुमान। सो चलिए गाइस यहाँ से दर्शन पूरे हुए, अब गाइस हम सामने एक नदी है, इस नदी की तरफ जा रहे हैं। और गाइस इस नदी की बहुत एक खास बात है, तो क्या है इस नदी की खास बात, पहले नीचे पहुँचते फिर बताते हैं आपको। ये कौन सी नदी हुई है? ये सरयू नदी है। सरयू नदी कहाँ जाके मिलती है? ये अयोध्या। अयोध्या में जाके मिलती है, गजब यार। ये सरमूल से आती है, सस्त धारा है इधर। सस्त धारा सरमूल से आ रही है ये नदी। तो गाइस ये है इस नदी की खास बात। सो गाइस आपने देखा भी कुछ देर पहले किस तरीके सब लोगों ने पानी में मुंह डाला, लेकिन मैंने पूरा मुंह नहीं डाला, खाली मैंने लेट करके पानी पिया। और गाइस सच में इतना मीठा पानी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मीठा पानी हो रहा है। और गाइस बता रहे हैं कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर वाटर प्लांट लगने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना सबसे शुद्ध पाया गया है। कुछ टाइम बाद ये जो मंदिर है ये 5वां धाम बनने वाला है, यहाँ वाटर प्लांट लगने वाला है। तो मतलब आने वाले टाइम पर गाइस यहाँ पर ना बहुत गजब की ग्रोथ होने वाली है। और सच में गाइस मैं बड़ा लकी फील करता हूँ अपने आप को कि यहाँ मैं पहुँच गया आज, और भगवान ने बुलाया होगा, भोलेनाथ जी ने बुलाया होगा अपने दर पे। तो गाइज आज यहाँ भी आना हो गया। सो गाइज फिर यहाँ से कुछ देर में फ्री होते हैं, फिर निकलते गाइज डायरेक्ट यहाँ से खाती गाँव की तरफ। सो गाइज नीचे कुछ देर आराम करके पहुँच गया ऊपर, तो फिर निकल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ जहाँ पर हमारी बाइक और स्कूटी खड़ी है। ठीक है, तो गाइज पहुँच गए हैं मेन रोड में, स्कूटी अपनी तैयार हो गई है। बाय बाय या। सो गाइस आप देख रहे हैं कैसे रास्ते से हम गुजर रहे हैं, और यहाँ पढ़ सकते हैं महज सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया गाइस खाती गांव, और हल्की सी यहाँ पर खाती गांव की पिक्चर भी दी है। सो भाई साहब रोड तो बहुत डेंजर है, मतलब 9 किलोमीटर रह गया अभी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना दूर जाना होगा, क्योंकि जो रोड है ना वो काफ़ी ख़राब है। आप देख रहे गाइस रोड की तो मतलब ब्रांड बजी पड़ी है बुरी तरीके से। तो जैसे तैसे गाइस मेरी स्कूटी खींच ले रही है ऊपर को, तो भरोसा है कि आगे को भी ये खींचती रहेगी ऐसी। मस्त सच भाई, तुम्हें ना पैच बोल बोल के ना भाई साहब ऐसा कर दिया माहौल, क्यों ये कोई पैच हो भाई? कर यार मैं पता मैं मोड़ पे सोच ही रहा था कि क्यों भाई करे डमाडोल होगी भाई, तो हो ही रही थी, सोचो स्कूटी का क्या हाल होगा, है ना भाई साहब, खतरनाक पैच भाई। अब ठीक है रोड ऐसी मुझे नहीं पता बताओ यार, मैं खुद को नहीं पता, लेकिन भाई सामने आप गांव देखिए, वाह हाँ, ये देखिए गाइस कितना सुंदर गांव दिख रहा है यहाँ से भाई साहब। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं
ओके, चौड़ा स्थल पेठी पे। ये भी छोटा सा गाइस एक गांव है। बहुत सारे गांव में तो गाइस लाइट अभी तक नहीं पहुंची है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और गाइस जिस जगह में भी जा रहा हूँ, खाती विलेज, वहाँ भी सेम यही हाल है। और हमारे अलावा और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे जो स्कूटी से आना जाना कर रहे हैं। और मेरे सामने में देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं। सो गाइस, बहुत सारे खतरनाक पैच पार करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए इस पुल के ऊपर। और यहां से कितना दूर भाई अभी? अराउंड 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो आगे 9 किलोमीटर को दिखा रहे थे फिर वहां पे, जैसा कि कहीं-कहीं बोर्ड पे ना फ्रॉड लिखा रहता है। बताओ, हम 9 किलोमीटर देख करके आए थे, ये सोच के 9 किलोमीटर रह गए, लेकिन यहां से भी 12 किलोमीटर और दूर है। सो गाइस, कुछ देर आराम करके निकल रहे हैं आगे की तरफ। और गाइस आगे कुछ चाय वाय की दुकान है, तो वहीं बैठ के चाय पीते हैं। अभी 12 किलोमीटर और निकलना आगे। जय श्री सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट एंड जनरल स्टोर। समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर, क्या बात है भाई। आज हम आ गए हैं 2500 मीटर में, कल 1565 मीटर में हाइट में थे हम। सो भाई साहब, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, अपनी बाइक वाइक रुकी हम नहीं है, पर ही चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते गए आगे की तरफ। तो बहुत थोड़ा सा रह गया, चलिए चलते अंदर, अंदर बैठ के चाय पीते हैं। सो भैया आ गई हमारी गर्मा गर्म मैगी, चलिए गाइस लेते हैं भैया की शॉप से अलविदा। और गाइस बाहर देखिए, मौसम अचानक से हो गया अंधेरा। चलिए गाइस इसी अंधेरे में निकलना बाकी की तरफ, और यहाँ से आप पहाड़ों का व्यू देखे नीचे की तरफ, गजब लग रहा है एकदम। चलिए फिर पता कर रहे जा रहे ऊपर, ठीक है। चढ़ाई में उतर जाना, देखता हूँ कहाँ बताऊँगा मैं, उतरना नहीं उतरना। अभी गहराई वहराई कुछ पता नहीं चल रही है, अभी सिर्फ रोड दिख रही है। हाँ, जब सुबह निकलेंगे ना यहाँ से वापिस, तब पता लगेगा अरे भाई साहब यहाँ से आया तुम करके ना, अंधेरे में ऐसा ही होता है। ओ भाई साहब, ओह क्या रास्ता है ये। फाइनली गाइस देखी एंट्री हमने खाती गांव में। वाह, जय भद्रकाली, जय महाकाल। ये भाई क्या बात है भाई, ऑफ रोड मानना पड़ेगा यार मुझे भी। मुझे भी फाइनली गाइस पहुंच गए, पहुंच गए खाती, पहुंच गए। देखिए स्कूटी का लाग ऑफ रोड था भाई, गजब का ऑफ रोड यार। देखिएगा जल्द आने वाले टाइम पे भाई साहब, आई लव यू माय स्कूटी, मैं धन्नो मानना पड़ेगा भाई, है ना सच में यार, स्कूटी को मानना पड़ेगा भाई। और ये इनकी रैम्बो और हमारी धन्नो, दोनों ने बराबर मेहनत करी गाइस। ओ गाइस फाइनली, फाइनली गाइस पहुंच गए खाती गांव। आहा, ओए मजा आ गया। चलो जी निकाल लेते अपना बैग उसमें से आराम से भाई साहब, और हमसे पहले भी कुछ लोग पहुंचे गाइस यहाँ पे। चलिए जी, और भाई इनकी कुल्हाड़ी, अरे इसका कवर कहाँ गया यार? अभी निकल गया, सब निकल गया वो। इतना बार बैठा जैसा, मतलब क्या पास में है, गिर गया? सब कहीं गिर गया वो। अच्छा गिर गया, तो कवर करना पड़ेगा किसी चीज़ से। अच्छा यार है वो, कहीं भी चली जाएगी। सो गाइस 7:45 बजे फाइनली
हम लोगों ने एंट्री ले ली है खाती गाँव में। और सच में भाई क्या गजब का ऑफ रोड, क्या गजब के पैचेस। फिलहाल नीचे की तरफ जा रहे हैं अपने रूम में। सो गाइज चलते रूम पे, फिर देखते वहाँ क्या इंतजाम है। सो भाई आए हाय हेलो, स्वागत नहीं करोगा हमारा? कैसे भैया? हाय अभिषेक, चले नमस्कार। हाय हाय क्या नाम है उसका? डब्बू। हाय डब्बू, हाउ आर यू? कैसे भाई जी? बस बढ़िया, ठीक है। आ जाओ चलो जी, हमारे ब्लॉगर भाई साहब हैं। डब्बू पप्पू कैसे हो दोनों? क्या जोड़ी दोनों की यार, गजब। सो फिर गाइस फाइनली खाना आ चुका हमारा, रोटी दाल और सब्जी। सो फिर गाइस खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं चल करके अपने कॉटेज। और भाई साहब पता नहीं कितनी चढ़ाई में है, हमारे साथी लोग भी आ रहे हैं। सो गाइस खाना खा के फाइनली बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंच गए अपने कॉटेज में। तो गाइस फिलहाल तो अभी अंधेरा हो रहा है, यहाँ सब आपको सुबह दिखाऊंगा। कुछ कह रहे हैं भाई लोग? आप अपना कुल्हाड़ी ले। अच्छा कुल्हाड़ी देने आए थे, अच्छा। और संजय भाई निकाल रहे हैं अपने अस्त्र शस्त्र कुछ नाइट लैंप्स बनाने के लिए। तो सितारे और चांद की जो है ये आज पिक्चर कैद करने वाले हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी बोलते हैं इसको। एस्ट्रो फोटोग्राफी आज नहीं छोड़ूंगा, आज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं ये। तो गाइस चांद तो बहुत सुंदर निकला हुआ है, देखते हैं अब इनकी एस्ट्रो फोटोग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं आज। सो गाइस कुछ देर में अब बेहतरीन सी आग जलने वाली है। और गाइस यहाँ पर हो रहा है डांस बढ़िया वाला, हमारे भैया और हमारे अमित भाई, देखो क्या बात है। ये आहा क्या बात है,